IBN 7 हौसला है। फिल्म पीके पर बवाल थमता नजर नहीं आ रहा है। दिल्ली में आज भी गगन सिनेमा के बाहर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कल भी दरियागंज में डिलाइट सिनेमा के बाहर हिंदू राष्ट्र सेना के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर जलाए थे। कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सिनेमा हॉल पर लगे पोस्टर भी फाड़ दिए थे। फिल्म पीके पर हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगा है। ये लोग फिल्म पर पाबंदी की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा यूपी के एटा में भी फिल्म के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हुआ। और जब जगह जगह विरोध हो रहा हो तो सियासत गरमानी तो लाजमी है। एक और उत्तर प्रदेश में फिल्म पीके का जोरदार विरोध हो रहा है, वहीं फिल्म को उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया है। फिल्म के खिलाफ हिंदूवादी संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बुधवार को इसे राज्य में मनोरंजन कर से मुक्त करने का निर्देश दिया। इस बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पीके के खिलाफ कोई कार्रवाई या जांच नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि पीके को सेंसर ने पास किया है और अदालत में इसके खिलाफ कोई मामला साबित नहीं हुआ है, ऐसे में किसी कार्रवाई का सवाल ही नहीं उठता। देखिए, पीके फिल्म को सेंसर बोर्ड ने सर्टिफिकेट दिया है, उसके ऊपर कुछ लिटिगेशन हुए थे, वो भी अब खारिज हुए हैं। वो फिल्म चल रही है और कानूनन जो फिल्म चल रही है उसको रोकने का कोई सवाल महाराष्ट्र सरकार के दिमाग में नहीं है। ऐसा कोई स्क्रीनिंग नहीं होने वाला। जो भी कानूनी कार्रवाई है उसकी पूरी हुई है। अगर कानून उसमें कोई चीज हमको कहता है, कोर्ट हमको कोई चीज कहता है, तो उसका जरूर पालन होगा। पर अभी इसमें दूसरी कोई बात करने का महाराष्ट्र सरकार का विचार नहीं है। रिलीज होने के बाद ही मुझे फिल्म देख लेनी चाहिए थी और ऐसा मौका भी बन गया था कि रिलीज के बाद बहुत लोग जिद कर रहे थे कि फिल्म देखो, लेकिन डाउनलोड होने के बाद भी मैं फिल्म चला नहीं पाया, समय नहीं मिला मुझे। इधर मेला शुरू हो गया, कल मुझे मौका मिला फिल्म देखने का। रात को 10 बजे मुझे मौका मिला, मैंने फिल्म शुरू की रात को 10 बजे और उसके बाद मैंने फैसला अपने आप लिया कि इस फिल्म को टैक्स फ्री होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा जनता को देखना चाहिए। फिल्म को लेकर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, सुनवाते हैं आपको। ये कुछ ऐसे संगठन हैं जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं। हिंदुत्व तोड़फोड़ का नाम नहीं है, अराजकता का नाम नहीं है, आगजनी का नाम नहीं है, नफरत का नाम हिंदुत्व नहीं है। त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम का नाम हिंदुत्व है। ये जो बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और इनके तमाम जितने सहयोगी संगठन हैं, ये गुंडों की जमात है और ये इनका जो मोटिव है वो इस देश को तोड़ना है। एक ऐसे फिल्म को जो वैज्ञानिक चिंतन को बढ़ावा दे रहा है और धर्म के क्षेत्र में आई हुई सड़ांध को दूर करके सुधार के लिए एक विचार दे रहा है, ऐसी फिल्म के विरोध से किसी को फायदा नहीं है। विरोध करने वालों को यदि कोई बात है तो वो शांतिपूर्ण तरीके से करें, कहीं धरना दें, कहीं भूख हड़ताल करें या कुछ ऐसा करें, तोड़फोड़ करके वो अपनी सारी की सारी क्षुद्रता, छोटापन वो जाहिर कर रहे हैं, ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। प्रोटेस्ट क्या है, बिल्कुल बेतुका है और ये गुंडागर्दी है और ये हिंसा फैलाने वाली बात है। इसका मतलब कि ये जो अभिव्यक्ति की आजादी है उस पर ये अंकुश लगाना चाहते हैं, तो मीडिया को और तमाम जनतंत्र प्रेमी लोगों को सतर्क हो जाना चाहिए और इनकी इस हरकत का विरोध करना चाहिए। पीके के ऊपर या जिन चलचित्र घरों में पीके चल रही है उसके ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वो बोलने की, लिखने की, सोचने की आजादी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं और ये सरकार बिल्कुल मौन साधे बैठी है। ऐसा संदेश जा रहा है सरकार के तरफ से कि ये उन व्यक्तियों के साथ है जो लोग
इस संकीर्ण सोच के मालिक हैं, और ना कि जो संविधान में मूलभूत अधिकार दिए गए हैं, जिसमें सबसे सर्वोच्च अधिकार बोलने की और लिखने की और सोचने की आजादी है, उसके लिए खड़ी होने के लिए तैयार है।